हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यू लॉन्च किया K8 के बारे में। भाई गाड़ी एकदम अल्टीमेट होने वाली है, न्यू लॉन्च है इंडिया में, बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक गाड़ी है। अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, एक्चुअली होने वाली है जल्द से जल्द। यहाँ पे फ्रंट पे आपको किया का लोगो मिल जाता है, हेडलाइट आपको LED मिलेगी, आपको इसके अंदर DRL मिलेंगे। और भाई ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना, ग्रिल देखो उसके, मतलब कितनी क्लासी लुक की लग रही है एकदम। इसके अंदर फॉग लैंप्स भी बड़े क्लासी लुक के दिए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन जो है इसका काफ़ी डिफरेंट किया गया है। और अगर हम भाई इसके साइड से एक्सटीरियर की बात करते हैं, एक्सटीरियर देखो, अगर जो स्कोडा की सुपर्ब की बात करूं मैं, उससे भी ज़्यादा लंबी लग रही है लेंथ में। लेंथ में देख लो आप, इसका ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह सब चीज़ देख लो, बहुत ज़्यादा अलग लग रही है। इसके टेल लाइट देखो भाई, मतलब टेल लाइट इतनी ज़्यादा एकदम क्लासी लुक की दी हुई है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है, जो कि इसकी एक ब्यूटी को इन्हेंस कर रही है। मतलब जो गाड़ी लग रही है ना एकदम अल्टीमेट टाइप की। और भाई इसके अगर मैं प्राइसिंग की भी बात करूँ, ये तो भाई इंडिया 24 लाख रुपए से लेकर 32 लाख रुपए तक इसका डाउन अपरेट हो सकता है। और भाई इसके जो ये है आपका, मतलब बूट स्पेस देख रहे हो भाई, मतलब टेल लाइट बूट स्पेस के ऊपर जो एकदम ज़्यादा इसके ऊपर कनेक्ट हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा अलग लग रही है एकदम, जैसे होंडा सीविक में इस तरीके की दी गई है उससे भी ज़्यादा अलग टाइप की लग रही है। टच स्क्रीन इसके अंदर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम, बाकी सारी चीज़ें बड़ी क्लासी वाली मिलने वाली है। इसका पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम और जो भाई आपका मीटर कंसोल है, सब कुछ इसमें एक ही साइड रहने वाला है। आपको इसमें 12 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। अब बात कर ले थोड़ा सा एक इंटीरियर के, इंटीरियर के बारे में, तो भाई यहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल और भाई स्टेयरिंग में आपको सब चीज़ें मिलेंगी, फ़ोन कट का, ऑफ का, सबका ऑप्शन मिलेगा, क्लाइमेट कंट्रोल और भाई सारी चीज़ें जो भी, मतलब एक हाई लेवल कार में आपको सारी चीज़ें मिलती हैं वो इसके अंदर आपको मिलने वाली है। और भाई मतलब इंटीरियर में इसके मैं एक चीज़ और बताऊंगा, जो इसका AC है ना, क्लाइमेट कंट्रोल 3 जोन में मिलने वाला है। आप मतलब अगर ड्राइवर सीट पर बैठे हैं तो ड्राइवर सीट से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या पीछे से, ये जो आपका पीछे की सीट है रेड सीट, उससे भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और भाई इसमें एम्बियंट लाइट दे रखी है गाड़ी के अंदर, मतलब आप जब इसमें रात को लाइट का यूज़ करेंगे तो भाई ये देख रहे हो इस तरह की अंदर के इंटीरियर में आपको फुल मेल लाइट मिलने वाली है, जो कि इसकी ब्यूटी को और ज़्यादा 4 चांद लगा देती है। इससे मतलब रात में गाड़ी एकदम और बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगने वाली है। और भाई ये जो इसका आप देख रहे हो, मतलब इस साइड में आपको लेफ्ट में ही मीटर कंसोल मिलेगा, इस साइड में आपको सारा का सारा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जो कि सब कुछ टच स्क्रीन में आपको मिलने वाला है। मतलब गाड़ी में ना आप अगर लेफ्ट इंडिकेटर दे रहे हो तो भाई लेफ्ट इंडिकेटर भी चालू होगा, तो भाई वो कैमरे के साथ होगा। राइट इंडिकेटर भी दोगे तो राइट इंडिकेटर भी आपको कैमरे के साथ ही ओपन होगा। फ्रंट में, साइड में, आपको गाड़ी के अंदर इसमें आपको कैमरेज मिलने वाले हैं। तो भाई कैमरे का इसमें आप पूरा का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। और भाई गाड़ी के बारे में अगर मैं बात करूँ, सारी टच स्क्रीन सिस्टम ये देख रहे हैं भाई, मतलब इसमें AC, ये जो मतलब जो इसके बटन दे रखे हैं ना, ये भी एक इस तरीके के नेक्स्ट लेवल चीज़ें दे रखी हैं इसमें। मतलब बटन तो मैं कह नहीं सकता, ड्राइवर के सीट से भी आप यार एडजस्ट कर लो पूरी गाड़ी को, या फिर रियर सीट से भी एडजस्ट कर सकते हो, वो आपके अकॉर्डिंग है। और भाई गाड़ी आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और भाई मैंने आपको इसके बारे में प्राइसिंग के बारे में बता दिया है, इंडिया में इसका इतना प्राइस हो सकता है। और इसके माइलेज के बारे में अभी कुछ ज़्यादा पता नहीं पड़ा है, तो माइलेज के बारे में मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। आपको गाड़ी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।